एफएफयू हेडक्वार्टर्स में सिफारती अमले के दरमियान निशानाबाजी का मुकाबला हुआ। मुकाबले में अमरीका, रूस, बरतानिया, तुर्किया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक का सिफारती अमला शरीक हुआ और अपनी महारत का मुजाहरा किया। इस बारे में मजीद बात करें नजीर शाह से। नजीर बताएगा। तो देखें, एसएफयू हेडक्वार्टर्स में सिफारती अमले के दौरान शूटिंग का मुकाबला मुनक्किद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी डीआईजी डॉक्टर मकसूद अहमद थे। इस मुकाबले में अमरीका, रूस, बरतानिया समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती अहलकारों ने हिस्सा लिया और फ्री साइज शूटिंग और टैक्टिकल शूटिंग में अपनी पेशावराना महारत का मुजाहरा किया। तर्जुमान के मुताबिक टीम कैटेगरी में अमरीकी कौंसलेट ने पहली, रूस ने दूसरी और तुर्किया कौंसलेट ने तीसरी पोजीशन हासिल की, जबकि इनफरादी कैटेगरी में अमरीकी कौंसलेट के स्कॉट मलेशिया ने पहली, रूसी कौंसलेट के सेंसला पेट्रोव ने दूसरी और अमरीकी कौंसलेट गई जॉश मैक्यू ने तीसरी पोजीशन हासिल की। और तकरीब के मेहमान खुसूसी डॉक्टर मकसूद अहमद ने विनर और रनर अप टीम में ट्रॉफी और मेडल तकसीम करते हुए कहा कि शूटिंग के मुकाबलों के इनेकाद का मकसद इदारों और सिफारतकारों के दरमियान बाहमी तआवुन को फरोग दौरान और इस किस्म के मुकाबले दुनिया भर में मुल्क का मजबूत उमेज उजागर करते हैं। जी शुक्रिया आपका तफसील नागा करने के लिए। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद थे, तफसील नागा कर रहे थे। एसएसयू हेडक्वार्टर्स में सिफारती अमले के दरमियान निशानाबाजी का मुकाबला हुआ।